ये थोड़ी असल में ये पहला सेशन है हमारा ट्रेनिंग्स का, तो थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम थी, उस वजह से जो वो थोड़ा डिले आया। तो अच्छा, हम थ्योरेटिकल बेसिस पे बात कर रहे थे, इसकी जो नजरियाती बुनियाद है उसको डिस्कस कर रहे थे, ठीक है, कि इसकी किस चीज से जो साइंस हेल्थ कॉन्सेप्ट जो है वो हमें कहाँ से मिलता है, हुआंग डी जो किताब थी उसमें जो है वो उससे ये कॉन्सेप्ट हमें मिलता है, उसमें कैसे मिलता है, उसमें जो नेचुरल ये दुनिया में जितनी भी चीजें हैं तो उसको तीन स्टेप्स में, मतलब वो इन्होंने ये एक्सप्लेन किया कि हर चीज को जो है वो तीन स्टेप्स में डिवाइड किया गया है, जिस तरह ये जिंदगी हम गुजार रहे हैं उसको तीन हिस्सों में डिवाइड किया गया है, जो कलर्स हैं जिन कलर से ये मुख्तलिफ कलर्स मिलकर बनते हैं तो उसको भी तीन बेसिक कलर्स में डिवाइड किया गया है, रेड येलो और ब्लू। इसके अलावा जो हमारी जमीन है वो भी तीन लेयर से मिलकर बनी है, यानी सरफेस जो आउटर सरफेस है, जो जमीन जमीन का बैरूनी हिस्सा है, इसके अलावा क्रस्ट जो जमीन का अंदरू सरफेस के साथ जो जुड़ी हुई जो लेयर है उसे क्रस्ट कहते हैं, यानी बिल्कुल और कोर जो उसका अंदरूनी पार्ट है। तो इस तरीके से जमीन का जो सरफेस है, जो जमीन है, वो भी तीन चीजों में जो है वो डिवाइड हुई है, एज स्मॉल एज द सेल, देयर कंपोज्ड ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल प्लाज्मा, और जो सेल है जिसे हमारी पूरी बॉडी बनती है, इंसान की पूरी बॉडी मुख्तलिफ सेल से मिलकर बनती है, तो सेल को भी जो है वो बेसिकली तीन स्टेप्स में या तीन लेयर्स में डिवाइड किया गया है। उसमें जो है वो सबसे आउटर जो होता है वो सेल मेम्ब्रेन होता है, उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है या सेल प्लाज्मा उसको कहते हैं, और सेल न्यूक्लियस, ये इंडिविजुअल सेल जो है वो भी इसी तरीके से तीन स्टेप्स में या तीन कंपोनेंट्स में डिवाइड होता है। एज कॉम्प्लिकेटेड एज ए ह्यूमन बॉडी, इट इज इवॉल्व फ्रॉम इंडोडर्म, मीजोडर्म और एंड एक्टोडर्म। और जैसे ही जो इंसानी जिस्म की डेवलपमेंट होती है माँ के पेट में, जब बच्चा होता है, ठीक है, वो तो उसकी जो डेवलपमेंट होती है वो भी तीन फेजेज में होती है, जो इनिशियल जो एम्ब्रियो होता है, ठीक है, वो पहले सबसे पहले तीन लेयर्स में डिवाइड होता है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म है, ये उन तीन लेयर्स के नाम है जो जिससे जो है वो हमारी पूरी पूरी बॉडी बनती है, फिर एक एक लेयर से जो है वो मुख्तलिफ ऑर्गन्स बनते हैं। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक्टोडर्म की बात करें तो इससे हमारा जो CNS है, जो ब्रेन का जो निज़ाम है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है हमारा, वो मिलके बनता है। इसके अलावा जो एपिडर्मस और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है वो ये किस चीज़ से बनते हैं, ये एक्टोडर्म से बनते हैं। इसके अलावा जो मेसोडर्म है उससे हमारा जो तोलीदी निज़ाम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, वो बनता है, हमारी हड्डियाँ बनती है। इसके अलावा जो किडनीज और वेस्कुलर सिस्टम है, हमारा जो ब्लड खून के गर्दिश का निज़ाम है, ये मीजोडर्म से मीजोडर्म वाले लेयर से बनती है, और इसके अलावा एक्टोडर्म से जो है वो मुख्तलिफ ऑर्गन्स बनते हैं, लंग्स, लीवर वगैरह, ये सारी चीजें जो है वो एक्टोडर्म से बनती है। तो कहने का मकसद ये है कि हर चीज को जो है वो तीन तीन हिस्सों में डिवाइड किया गया है, जो नेचुरल चीजें हैं वो तीन चीजों में डिवाइड हुई है। तो इसी तरह इंसानी जिस्म का जो हेल्थ कॉन्सेप्ट है, जो है सेहत की बुनियाद है, वो भी तीन चीजों से मिलके बनी है, यानी तीन स्टेप्स में, दैट इज क्लींजिंग, रेगुलेटिंग और रिप्लेनिशिंग। द अबव मेंशन नॉट जस्ट अ कोइंसिडेंस, ऑल द थिंग्स आर रिलेटेड विद ईच अदर एंड कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री लेवल्स। द चाइनीज हेल्थ कॉन्सेप्ट इज आल्सो कंपोज्ड ऑफ थ्री लेवल। तो जिस तरह मैंने जिक्र किया कि कुदरती जो है वो फिनोमेनाज में हर चीज तीन तीन स्टेप्स में डिवाइड हुई है, तो इसी तरीके से जो हेल्थ कॉन्सेप्ट है उसको भी जो है वो तीन स्टेप्स में डिवाइड किया गया है। वांग डी प्रोडक्ट Huangdi product of Chinese culture is one of the most well-known and oldest traditional Chinese medical classic, and it is also the first medical theory magnum opus which systematically discusses the physiology, disease judgment, treatment, and health management. This book was written in a period between Warring States and Qin and Han dynasties more than 2000 years ago. ये उस किताब के बारे में बात हुई जिसमें ये सारी चीजें डिस्कस हो गई हैं। इसमें क्या जो मेडिकल थ्योरीज है वो सारी डिस्कस हो गई है, इंसानी जिस्म की फिजियोलॉजी यानी कैसे इंसानी जिस्म मिल के बना है, इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं ये डिस्कस हुआ है, इसके अलावा मुख्तलिफ जो बीमारियां हैं उन बीमारियों के बारे में डिस्कस हुआ, उनके इलाज के बारे में यूजिंग द ट्रेडिशनल जो हमारा हेल्थ कॉन्सेप्ट है उसको यूटिलाइज करते हुए उनके जो है वो इलाज भी वजह किया गया है। हुआंग डी निजिंग इज अ ग्रेट बुक विच इज अबाउट द यूनिवर्स वर्ल्ड लाइफ, और ये बुक सिर्फ हमारी सेहत के बारे में नहीं है, इसमें बाकी यूनिवर्स या जो पूरी कायनात है इस बारे में जो है वो डिस्कस हुआ है। और इसकी जो बुक पढ़ने के बाद जो इसका मेन क्रक्स है, जो कैरेक्टरिस्टिक है, यानी
जो चीज हम कंक्लूजन उसको कह सकते हैं, कंक्लूजन का क्या है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, और सारी चीज डिस्कस करने के बाद ये कंक्लूड करती है कि प्रिवेंशन परहेज इलाज से बेहतर है। इन जितनी भी बीमारियां हैं अगर हम जो है वो उसके इलाज के बारे में बात करें और परहेज के बारे में बात करें, तो परहेज, और ये वैसे भी आइडियोलॉजी मतलब लॉजिकली भी करेक्ट बात है कि अगर हम जो है वो परहेज को फॉलो करें के ट्रीटमेंट की तरफ जाए, तो ट्रीटमेंट एक लंबा प्रोसीजर होता है, उसमें जो है वो इंसानी जिस्म मतलब जो मेडिसिन वगैरह देते हैं ट्रेडिशनल जो मेडिसिन या जो बाकी ट्रीटमेंट करवाते हैं, तो वो एक लेंथी भी होता है और इकोनॉमिकल मतलब इकोनॉमिकल नहीं रहता, बहुत एक्सपेंसिव होता है। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इसके अलावा बॉडी इज अ होल, इसमें क्या किया गया कि इंसानी जिस्म को एक होलिस्टिकली देखा गया, पूरी जिस्म को मतलब कि जो ऑर्गन्स होते हैं वो एक दूसरे से इंटरलिंक होते हैं, यानी अलग अलग चीजें जो है वो नहीं होती है, पूरी बॉडी जो है वो एज अ होल यानी इंटरलिंक्ड है एक दूसरे से, नरिशिंग एसेंस बेनिफिटिंग ची एंड रेगुलेटिंग स्पिरिट। इसके अलावा ची को बेनिफिट करना या ची को इम्प्रूव करना, अपनी जो स्पिरिट है उसको इम्प्रूव करना, इसके बारे में जो है वो बात हुई। एंड नरिशिंग यिन द बेसिक हेल्थ प्रिजर्विंग, और जो यिन चैनल है या जो यिन की एनर्जी है उसके बारे में मतलब उसको ज्यादा फोकस किया गया है कि वो जो है वो एक इम्पोर्टेंट एनर्जी है, और वो सारी चीजें जो है वो डिस्कस हुई हैं। अब आते हैं जो अच्छा बेसिकली ये मेरे ख्याल से जूम पे टाइम भी इतना नहीं होता, 40 मिनट्स का टाइम होता है, तो हम जल्दी जल्दी जो है वो जल्दी तो नहीं, खैर कोशिश करेंगे जहां तक हो गया वो हो गया, बाकी जो है वो हम अगली जो प्रेजेंटेशन होगी जो अगला सेशन होगा उसमें डिस्कस करेंगे। पहले तो हम कोशिश करेंगे कि इसी सेशन में जो है वो ये सारी चीजें कवर हो जाए, और इसके अलावा जो बल्कि टाइम अब कम रह गया है तो मैं जो मोटी मोटी चीजें होंगी वो डिस्कस कर लूंगा। अच्छा, वांगडी सेज द क्लेवर पीपल, इस बारे में मतलब वही जो बुक में जो चीजें डिस्कस हुई है कि होशियार लोग वही हैं जो मतलब परहेज को जो है वो तरजीह देते हैं, प्रिवेंशन को तरजीह देते हैं इलाज पे। इसके अलावा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो उन्होंने भी मुख्तलिफ स्टेटमेंट जारी किए हैं जो जिनका कंक्लूजन क्या होता है, जिनका मकसद क्या होता है कि परहेज जो है वो इलाज से बेहतर है। अब आते हैं उन तीन कैटेगरीज की तरफ, उन तीन कंपोनेंट्स की तरफ जिससे जो है हमारा हेल्थ या जो हेल्थ कॉन्सेप्ट बना है वो कौन कौन सी है, क्लिंजिंग, रेगुलेटिंग एंड रिप्लेनिशिंग। अब क्लिंजिंग क्या है, क्लिंजिंग बेसिकली क्लिंजिंग जिस तरह नाम से जाहिर है सफाई, इट इलिमिनेट्स एक्सेस मटेरियल व्हिच बिकम द बर्डन बिकॉज़ दे आर बियॉन्ड द मेटाबॉलिक कैपेसिटी सो एज टू अवॉइड और डिले द टॉक्सिन फॉर्मेशन एंड डिटॉक्सिफिकेशन। क्लिंजिंग में हम बेसिकली दो चीजें डिस्कस करते हैं, एक क्लिंजिंग सरप्लस जो एक्स्ट्रा मटेरियल है जो हमारी बॉडी की मेटाबॉलिक कैपेसिटी, अब जो चीजें हम लेते हैं ठीक है तो हमारी बॉडी की एक कैपेसिटी होती है, एक उसकी एक लिमिट होती है, उस लिमिट तक जो है वो चीजें जो हम लेते हैं वो मेटाबोलाइज कर सकती है या वो हजम कर सकती है। अब अगर वो चीजें हमारी उस कैपेसिटी से ज्यादा हो गई तो वो हमारे बॉडी पे या हमारे जिस्म पे एक बोझ बन जाती है, और वो फिर मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स में जो है वो अकुमुलेट यानी जमना शुरू हो जाती है। और इसके अलावा तो उसकी सफाई भी उसकी सफाई ये एक कंपोनेंट है जो एक्स्ट्रा चीज है। इसके अलावा डिटॉक्सिफिकेशन का क्या मुराद है कि मेटाबॉलिज्म के दौरान बाज़ोकात ऐसी बाज़ोकात नहीं बल्कि बनती हैं ऐसी टॉक्सिक चीजें बनती है जो हमारी जिस्म के लिए नुकसानदेह होती हैं, तो उन टॉक्सिक चीजों को जिस्म से निकालना भी इसी क्लिंजिंग के जुमरे में आता है। तो जो प्रोडक्ट्स हम लेते हैं जो सप्लीमेंट्स हमारे हैं तो वो बेसिकली ये दो फंक्शंस परफॉर्म करते हैं क्लिंजिंग के कैटेगरी में, एक तो जो सरप्लस मटेरियल है ठीक है उसको एलिमिनेट आउट करते हैं, उसको खत्म करते हैं, दूसरा उसकी जो मेटाबॉलिज्म के बाद जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस बनती हैं उसकी जो है वो डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं, उसको जो है बॉडी से रिमूव करते हैं। इसके अलावा रेगुलेटिंग, अब रेगुलेटिंग में कौन सी चीजें आती हैं, इट adjust imbalance, achieve the consistency of the system and tissues in the body so as to prevent disease, adjust mentality and emotion, calm and society, cool and prosperity. Basically जो regulating में जो products शामिल होती हैं वो क्या करती हैं, आपके जितने भी body parts हैं आपके जिसमें जितने भी organs हैं तो उनमें एक regulation लाती है। regulation से क्या मतलब है, जिस तरह regulation basically निकला है regulator से, regulator जो हम आप लोगों ने मतलब घरों में भी देखा होगा
तो उसका फंक्शन क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी को रेगुलेट करता है, यानी अगर उसकी इंटेंसिटी या उसकी वोल्टेज कम है तो उसको इम्प्रूव करता है, अगर उसकी वोल्टेज बहुत ज्यादा है तो उसको स्लो डाउन करता है। तो इसी तरीके से जो टैंक्स के सप्लीमेंट्स है वो इस रेगुलेटिंग कैटेगरी में वो क्या करती हैं, आपकी बॉडी पार्ट्स को रेगुलेट करती हैं। अगर आपका कोई ऑर्गन कोई सिस्टम जो है वो लो लेवल पे काम कर रहा है, सही तरीके से काम नहीं कर रहा, तो इसके लेवल को इम्प्रूव करेगी। अब अगर कोई ऐसा ऑर्गन है कोई ऐसा सिस्टम है जो बहुत हद से ज्यादा काम कर रहा है, ओवर एक्टिव है, तो वो ओवर एक्टिव रहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि वो भी मुख्तलिफ उससे भी मुख्तलिफ मसाइल जो है वो पैदा होते हैं। तो सारे ऑर्गन्स और सिस्टम ने जो है वो बैलेंस लेवल पे काम करना है। तो ये क्या करता है, इसमें जो रेगुलेटिंग इस कैटेगरी में जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो आपकी सारी ऑर्गन्स को जो है वो रेगुलेट करती हैं। इसके बाद आता है रिप्लेनिशिंग की कैटेगरी। रिप्लेनिशिंग में क्या होता है कि जो हमारी बॉडी में रोजमर्रा की बुनियाद पे मुख्तलिफ प्रोसेसेस हो रहे हैं, ठीक है, अब उन प्रोसेसेस में मुख्तलिफ जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह इस्तेमाल होते हैं, मुख्तलिफ चीजें जो कैल्शियम वगैरह हो गया, जिंक हो गई, इसके अलावा जो बाकी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, तो वो डेली के बेस पे कंज्यूम होते हैं। अब क्या होता है कि हमारी बॉडी में हमारी जिस्म में उन उसका एक जखीरा होता है। सर, प्लीज आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। प्लीज सर, अब क्लियर आ रही है, बाकियों को भी क्लियर नहीं आ रही है, सिर्फ एक का मसला है। जी आ रही है, क्लियर आ रही है आवाज। क्लियर है सर, कंटिन्यू प्लीज। अशर भाई ठीक क्लियर है है, आवाज। ओके ओके। अच्छा, तो रिप्लेनिशिंग कैटेगरी में कौन कौन से प्रोडक्ट शामिल है? रिप्लेनिशिंग कैटेगरी में वो प्रोडक्ट शामिल है जो आपकी रोजमर्रा की बेस पे आपकी जिस्म में जो न्यूट्रंस यूज हो रहे हैं, जो कैल्शियम वगैरह जिंक वगैरह डेली की बुनियाद पे जो है वो ये आपकी बॉडी यूटिलाइज करती है, कंज्यूम करती है। तो बाज़ औक़ात क्या होता है कि कुछ अब इसका एक जखीरा होता है, इन सारी जिस्म का हमारी बॉडी में एक जखीरा होता है, उससे जो है वो डेली बेस पे वो यूटिलाइज होता है। अब हम क्या करें कि उन चीजों का अगर दोबारा रिप्लेनिश नहीं करते, ठीक है, तो उन चीजों पे उन न्यूट्रंस पे जो चीजें डिपेंड कर रही होती हैं या जो सिस्टम वो न्यूट्रंस इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जब वो न्यूट्रंस ही खत्म हो जाए तो वो सिस्टम जो है वो काम करना छोड़ जाता है। अब इसकी मिसाल ऐसी है कि फॉर एग्जाम्पल बॉर्डर पे आर्मी लड़ रही है, ठीक है, कंटिन्यूसली हमारे सरहद की हिफाजत कर रही है। अब उनको लड़ने के लिए क्या चीज चाहिए? असलहा चाहिए, एमुनेशन चाहिए, बुलेट्स चाहिए। अब वो चीजें कहाँ से आती है? सेंटर से जाती हैं, बॉर्डर्स की तरफ। अब क्या होगा, उनके पास एक जखीरा मौजूद होता है, जैसे ही वो जखीरा कम होना शुरू हो जाते हैं वो पीछे सिग्नल देते हैं कि हमारे पास एमुनेशन कम हो रहा है, तो काइंडली आप जो है वो इसको रिफिल करें, रिप्लेनिश कर लें। अब अगर यहाँ से वो चीजें नहीं जाती है, एमुनेशन वगैरह असला उनको नहीं पहुंचता, तो वो क्या करेगा, वो जिस असलहे पे वो क्या हमारे सरहद की फॉर एग्जाम्पल हिफाजत कर रहे थे, तो वो हिफाजत नहीं कर पाएंगे और दुश्मन जो है वो इजीली अटैक कर सकता है। इसी तरह मिसाल जो है वो इंसानी जिस्म का भी है, मुख्तलिफ न्यूट्रंस होते हैं उसको यूटिलाइज करते हुए मुख्तलिफ सिस्टम्स काम कर रहे होते हैं। अब अगर वो न्यूट्रंस खत्म हो जाए तो वो सिस्टम जो है वो काम करना छोड़ जाएंगे। तो इसीलिए जो मुख्तलिफ न्यूट्रंस हमारी बॉडी में यूज होते हैं तो उनको जो है वो रिप्लेनिश करना लाजमी होता है। और इस कैटेगरी में जो प्रोडक्ट शामिल होते हैं वो क्या करते हैं, वो ये रिप्लेनिशिंग कर रहे होते हैं। इसके रिजल्ट में हमें क्या मिलता है, प्रिवेंटिंग की कैटेगरी आती है। यानी जब ये तीन कंपोनेंट्स हम पूरे करेंगे इंसानी जिस्म के लिए, क्लींजिंग, रेगुलेटिंग और रिप्लेनिशिंग, तो हमारी बॉडी जो होगी वो एक बैलेंस स्टेट में होगी, एक मुतवाजन स्टेट में होगी, और हम जो है वो मुख्तलिफ डिजीजेस जो है या मुख्तलिफ बीमारियों से बचे रहेंगे। प्रिवेंटिंग अचीव द बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ बॉडी बाय वेज ऑफ क्लींजिंग, एडजस्टमेंट, सप्लीमेंट एंड सप्लीमेंट सो एज टू रियलाइज इम्यून रेगुलेशन एंड प्रिवेंटिव केयर, प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, प्रिवेंटिंग डिजीज फ्रॉम एग्जेसरबेटिंग एंड रिकवरिंग आफ्टर डिजीज, दैट इज हेल्थी पीपल प्रिवेंशन, सब हेल्थ पीपल एडजस्टमेंट, पेशेंट रिकवरिंग वगैरह। इसमें क्या चीज है कि जब प्रिवेंटिंग की कैटेगरी जिस तरह मैंने जिक्र किया कि क्लींजिंग, रेगुलेटिंग और रिप्लेनिशिंग, ये तीन कैटेगरीज अगर हम इंसानिज्म की ये इस तरह कंसिडर करें कि ये तीन बुनियादी चीजें हैं, बुनियादी स्टेप्स है, अगर ये हम पूरा करते हैं तो हमारी बॉडी एक बैलेंस स्टेट में रहेगी। अगर एक बैलेंस स्टेट में किस तरह ये है कि जितने भी ऑर्गन्स है या जितने भी सिस्टम्स है हमारे, फॉर एग्जांपल कार्डियोवैस्कुलर यानी दिल का निजाम ये एक सिस्टम है, इसके अलावा आसाबी निजाम या नर्वस सिस्टम जो हम कहते हैं ये दूसरा सिस्टम है,
हमारे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जो थिंकिंग हम सोचना वगैरह, ये सारी, ये तीसरा सिस्टम है। तो ये सारे सिस्टम आवाज कट के आ रही है बाप। अच्छा, मेरे ख्याल से नेक्स्ट टाइम जो हम मैं हेडफोन यूज करूंगा तो शायद उससे जो वो क्लियर आवाज आए। अब भी मैं कोशिश करूंगा कि जो है वो आवाज क्लियर हो जाए, फिर भी अगर कोई मसला होता है तो आप जो है वो दोबारा बोल सकते हैं। अच्छा, प्रिवेंटिंग की कैटेगरी जो है वो इसमें क्या, जिस तरह ये चार तीन कंपोनेंट्स अगर पूरे करते हैं, क्लींजिंग, रेगुलेटिंग, रिप्लेनिशिंग, तो हमारी बॉडी एक कोऑर्डिनेशन में रहेगी, एक बैलेंस स्टेट में रहेगी, और जितने भी सिस्टम्स हैं, जितने भी ऑर्गन्स हैं, वो क्या करेंगे, वो एक बैलेंस लेवल पे, एक नॉर्मल लेवल पे काम करेंगे, और हमारी पूरी सेहत जो है वो इंसानी सेहत वो क्या रहेगी, वो हेल्थी रहेगी, और मुख्तलिफ बीमारियों से जो है वो हम बच सकते हैं। तो ये तीन कैटेगरीज थे। क्लींजिंग क्या करती है, रिमूव्स द एक्स्ट्रा एंड टॉक्सिक सब्सटेंसेस, जिसम से जो फासिज मवाद है वो खत्म करती है। इसके अलावा रेगुलेट अचीव्स द बैलेंस ऑफ द बॉडी। रेगुलेटिंग कैटेगरी क्या करती है कि जो हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स काम करते हैं, जितने भी सिस्टम्स काम करते हैं, उनको जो है वो बैलेंस अचीव करने में मदद देती है। रिप्लेनिशिंग इट रियलाइज बैलेंस न्यूट्रिशन, और ये क्या करती है, वो जो न्यूट्रिशन है हमारी जिसम, हमारी जिसम जो मुख्तलिफ न्यूट्रिएंट्स इस्तेमाल कर रही है, उनकी रिप्लेनिशिंग कर रही होती है। एंड एट द एंड हमें क्या मिलता है, प्रिवेंटिंग मिलता है, यानी हमारी बॉडी जो है वो मुख्तलिफ बीमारियों से और मुख्तलिफ डिजीज कंडीशन से जो है वो प्रिवेंट रहती है, बची रहती है। इट इम्प्रूव इम्यूनिटी एंड डिजीज प्रिवेंशन हेल्थ, और जो हमारा मुदाफ़ी निज़ाम है उसको भी इम्प्रूव करते हैं। बेसिकली मुदाफ़ी निज़ाम यही सारी चीज़ें कंट्रोल कर रहा होता है। अगर हमारा मुदाफ़ी निज़ाम बेहतर है तो जो अगर मुदाफ़ी निज़ाम बेहतर है तो हमारी पूरी बॉडी जो है वो बैलेंस स्टेट में रहेगी, और हम जो है मुख्तलिफ बीमारियों से बचे रहेंगे, क्योंकि यही मुदाफ़ी निज़ाम होता है जो मुख्तलिफ बीमारियों और टॉक्सिन्स और केमिकल्स और जरासीम से जो है वो हमारी जिस्म की हिफाजत करता है। अब आते हैं कि जिस तरह हमने तीन कैटेगरीज डिस्कस की, क्लींजिंग, रेगुलेटिंग, रिप्लेनिशिंग, तो अब आते हैं कि इन कैटेगरीज में ट्रेंड्स की कौन कौन सी प्रोडक्ट शामिल है। तो क्लींजिंग में चिप्रसान कैप्सूल और सेल रिजुविनेशन कैप्सूल्स जो है वो इस कैटेगरी में आते हैं। कोडिसेप्स एंड स्पिरुलिना कैप्सूल्स वो रेगुलेटिंग की कैटेगरी में आता है, यानी वो हमारी बॉडी की रेगुलेटिंग कर रही होती हैं। और जो सप्लीमेंट्स कैल्शियम के सप्लीमेंट्स और जिंक के सप्लीमेंट्स है वो हमारी रिप्लेनिशिंग कैटेगरी में इंक्लूड होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्लींजिंग, इसमें चिटोसान के कैप्सूल शामिल है। चिटोसान क्या करता है, इट इज बेसिकली एनिमल सेलुलोज एंड वेल नोन एज द सिक्स इंग्रेडिएंट ऑफ लाइफ। इसको जो है वो सिक्स एलिमेंट ऑफ लाइफ भी कहा गया है। सिक्स एलिमेंट क्या है कि जो हमारी बॉडी में मुख्तलिफ न्यूट्रिएंट्स यूज होती हैं, जिस तरह प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन वगैरह, तो ये इस चिटोसान को वो पांच है बेसिकली, वो प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, अमाइनो एसिड एंड मिनरल्स, ये पांच चीजें हैं, ठीक है। तो इसकी इम्पोर्टेंस को रखते हुए, चिटोसान की इम्पोर्टेंस को मद्देनजर रखते हुए मुख्तलिफ जो स्कॉलर्स है, फिलोसफर्स है, उन्होंने इसको सिक्स एलिमेंट ऑफ द लाइफ कहा गया है, यानी प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और उनके बाद जो है वो छठा नंबर चिटोसान का आता है। ये बना किस चीज से होता है, जो एनिमल सेलुलोज है उससे जो है वो ये बनता है। और फंक्शन इसका क्या है, एलिमिनेट द टॉक्सिन इन द बॉडी, जो हमारी जिस्म में जो टॉक्सिक चीजें होती हैं, जो सरप्लस मटेरियल होता है, ठीक है, वो एलिमिनेट आउट करता है। कैसे, बाई कंबाइनिंग विद द फैट, नेगेटिवली चार्ज मेक इट पॉसिबल दैट द फैट कैन बी एब्जॉर्ब बाई इंटेस्टाइन एंड एलिमिनेट डायरेक्टली। जो फैट कंटेंट होता है, ठीक है, जो इजाफी फैट होता है, तो ये उसके साथ मिल के जो है वो उसको उसके साथ अटैच हो जाता है और उसको एब्जॉर्ब होने से, यानी ब्लड में शामिल होने से रोकता है, और इंटेस्टाइन के थ्रू, यानी जो खुराक की नाली है उसके थ्रू जो है वो उसको रिमूव कर देता है, बॉडी से निकाल देता है। इट एब्जॉर्ब्स एंड एलिमिनेट हैवी मेटल्स एंड रिड्यूस द एक्युमुलेशन ऑफ हैवी मेटल्स। इसके अलावा फैट्स के अलावा जो हैवी मेटल्स होते हैं वो भी हमारे जिस्म के लिए बहुत नुकसानदेह होते हैं, तो ये उनके एलिमिनेशन में भी जो है वो इसी तरह मदद करता है, उनके साथ अटैच होता है, उसको जो है वो एब्जॉर्ब होने से रोकता है। इट एब्जॉर्ब्स कोलेस्ट्रॉल एंड मेक कोलेस्ट्रॉल नॉट बी अटैच्ड टू अवर वेसल वॉल। इसके अलावा जो कोलेस्ट्रॉल है ये कोलेस्ट्रॉल को एब्जॉर्ब करने से रोकता है, बॉडी में जो है वो जज्ब करने से रोकता है, और उसके साथ अटैच होके
जिसम से जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू निकाल लेता है। इसके अलावा दूसरा प्रोजेक्ट कैटेगरी में शामिल है, दैट इज सेल रिजुविनेशन कैप्सूल्स। ये बेसिकली एक एलिक्सर हर्ब है और जिनसिंग नंबर टू भी, ये मुख्तलिफ नाम है इसके वैसे। ये खैर इस ज्यादा डिटेल में, इस पर एक अलग पीपीटी है, इसमें सिर्फ आज के प्रेजेंटेशन में आपको जो है वो प्रिलिमिनरी इसके बारे में बताना है। इसका फंक्शन कंपोजिशन जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं, दैट इज जिप्नोसाइड, यानी जो इसकी एक्टिविटी है ये बेसिकली इस केमिकल की वजह से, जिप्नोसाइड्स की वजह से। काम इसका क्या होता है, रिमूव फ्री रेडिकल विद हाई एफिशिएंसी। जो फ्री रेडिकल्स होते हैं ठीक है, उसको रिमूव करता है। और ये बेसिकली जो टॉक्सिक, मोस्ट टॉक्सिक सब्सटेंसेस होती हैं हमारे जिस्म के लिए, इनकी मिसाल बिल्कुल जो फ्री रेडिकल्स जो होते हैं, ये बिल्कुल हमारे जिस्म को खाती हैं, अंदर से ये खुरचती हैं, इस तरीके से ये जो हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह है। तो ये क्या करती है, फ्री रेडिकल्स को खत्म करता है, उनको न्यूट्रलाइज करते हैं। इसके अलावा टी पॉलीफिनॉल जो होते हैं इसमें, वो क्या करते हैं, दैट कैन डीटॉक्सिफाई वेरियस पॉइजनस, मुख्तलिफ जहरीले मवाद जो होते हैं उनको जो है वो डीटॉक्सिफाई करता है। और इसका फंक्शन भी एज अ एंटीऑक्सीडेंट, बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, जो फ्री रेडिकल्स को खत्म करता है, फ्री रेडिकल्स को स्कैवेंज करता है, तो उसको जो है वो एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। सेल रिजुविनेशन कैप्सूल का जो मेन फंक्शन है, दैट इज एंटीऑक्सीडेंट, यानी ये फ्री रेडिकल्स को जो है वो खत्म करता है। इसके अलावा आते हैं रेगुलेटिंग कैटेगरी की तरफ। रेगुलेटिंग में हमारे पास कॉर्डिसेप्स कैप्सूल आते हैं। कॉर्डिसेप्स बेसिकली क्या चीज है, कॉर्डिसेप्स साइनेंसिस, ये बेसिकली एक फंगस है, फंजाई है ठीक है। फंक्शन इसका क्या होता है, ये बाई डायरेक्शनल इम्यूनिटी यानी हमारे मुदाफित निज़ाम को इम्प्रूव करता है। इसके अलावा इट इज एंटी कैंसर एंड कैंसर प्रिवेंशन, यानी ये जब हमारा मुदाफित, याद रखें कि जब हमारा आप लोगों का मुदाफित निज़ाम बेहतर होगा तो आप मुख्तलिफ बीमारियों से जो है वो ऑटोमेटिकली बचे रहते हैं। और ये जो इम्यूनिटी इम्प्रूव करता है, तो ये क्या करता है, आपको कैंसर से बचाता है, कैंसर प्रिवेंशन में मदद देता है। इसके अलावा इनहिबिट सेनेसेंस, जो बुढ़ापे का अमल है या जो एजिंग का प्रोसेस है उसको रोकता है, उसको स्लो डाउन करता है। इसके अलावा प्रोटेक्ट लंग्स, ये आपको जो लंग्स है, फेफड़े है, उसको बेहतर बनाता है, उसको प्रोटेक्ट करता है, किडनीज एंड लिवर। और इसके अलावा आपकी किडनीज को और लीवर को उसको जो है वो प्रोटेक्ट करता है, मुख्तलिफ बीमारियों से बचाता है। इसके अलावा इट प्रोटेक्ट्स हार्ट एंड ब्रेन, और हमारा जो कार्डियोवैस्कुलर जो दिल है उसको जो है वो प्रोटेक्ट करता है, मुख्तलिफ बीमारियों से बचाता है। और हमारे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, दैट इज ब्रेन, तो उसको भी जो है वो प्रोटेक्ट करता है और मुख्तलिफ बीमारियों से बचाता है। इसके अलावा इसको गोल्डन ग्रास भी कहा गया है। इसमें जो इंग्रेडिएंट शामिल है, जो मेन कंपोनेंट शामिल है इसकी वजह से इसकी एक्टिविटी है, तो वो है कॉर्डिसेप्स पॉलीसेक्राइड, कॉर्डिसेपिक एसिड, एडिनोसिन वगैरह। ये सारे क्या हैं, जो मेन कंपोनेंट्स या एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है कॉर्डिसेप्स साइनेंसेस में। तो अब ये एक समरी है हमारी सारे प्रोडक्ट्स की। क्लिंजिंग कैटेगरी में कौन कौन से आते हैं, चिटोसान कैप्सूल, सेल रिजुविनेशन कैप्सूल्स। इसके अलावा जो रेगुलेटिंग कैटेगरी में है वो है कॉर्डिसेप्स कैप्सूल, स्पिरुलिना भी इसी में आता है। इसके अलावा रिप्लेनिशिंग कैटेगरी में जो न्यूट्रिशन सुपर कैल्शियम के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं हमारे, वो सारे इस कैटेगरी में आते हैं। इसके अलावा जिंक भी जो है वो इसी कैटेगरी में आता है। तो ये नीचे एक फॉर्मूला दिया गया है, जिससे क्या है, जो नॉर्मल हर मुख्तलिफ टाइम इंटरवल के बाद जो है वो ये एक फॉर्मूला, आप एक अगर आप अच्छी जिंदगी या तंदुरुस्त जिंदगी गुजारना चाहते हैं, क्योंकि मैंने जिक्र किया कि मुख्तलिफ प्रोसेस हमारी बॉडी में रेगुलरली हो रहे होते हैं, न्यूट्रिएंट्स जो है वो डेली बेस पे कंज्यूम हो रही होती है, यूटिलाइज हो रही होती हैं, तो ये हर इंसान जिस्म के लिए जो है वो ये बेसिकली एक जरूरत है। ये इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स है, चिटोसान कैप्सूल्स की एक बोतल, इसके अलावा सेल रिजुविनेशन कैप्सूल्स की दो बोतल, कॉर्डिसेप्स कैप्सूल्स की एक बोतल, और न्यूट्रिएंट्स कैल्शियम पाउडर उसके जो चार बॉक्सेस। ये आपके लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव, समझ लें कि एक कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज है आपकी पूरी हेल्थ के लिए, क्योंकि इसमें क्या है कि सारी कैटेगरीज के प्रोडक्ट्स इसमें आ जाती है। क्लिंजिंग भी आपकी जिस्म से हो जाती है, आपकी बॉडी की रेगुलेटिंग भी हो जाती है, और आपकी बॉडी की रिप्लेनिशिंग भी हो जाती है। जब ये तीन चीजें आपकी बॉडी की होगी, तो आपकी बॉडी जो है वो ये एक बैलेंस स्टेट में रहेगी और मुख्तलिफ बीमारियों से जो है वो प्रिवेंट रहेगी, और इस तरीके से जो मुख्तलिफ बीमारियाँ हैं तो उससे जो है वो आप बचे रहेंगे। तो ये था आज की प्रेजेंटेशन के हवाले से। आज हमने क्या डिस्कस किया, जो टाइम्स हेल्थ कॉन्सेप्ट है उसको हमने डिस्कस किया, जो यानी इसका इसकी बेसिस क्या है, कैसे जो है वो
हमारे जो प्रोडक्ट्स है उनकी क्लासिफिकेशन इन ट्रांस हेल्थ कॉन्सेप्ट के बेस पे की गई है, क्लींजिंग, रेगुलेटिंग, रिप्लेनिशिंग, उसमें जो प्रोडक्ट शामिल है थोड़ी सी तफसील हमने उनके बारे में भी डिस्कस की। तो इंशाल्लाह जो अगले सेशन होंगे हम उनमें एक एक प्रोडक्ट को उठाएंगे और उसकी तफसीलन जो उसके बारे में तफसील से बात करेंगे। तो आज के लिए मेरे ख्याल से तो जो हेल्थ कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा बहुत आप लोगों के माइंड में आ गया होगा। इसके अलावा भी अगर आप लोगों की कोई सजेशंस हैं, कोई क्वेरीज हैं या कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप लोग जो है वो पूछ सकते हैं। जी भाई, ट्रेनिंग तो बहुत अच्छी थी माशाल्लाह, बस वॉइस का थोड़ा इशू है कि आवाज जो है ना बीच में आपकी बहुत स्लो हो जाती है और बीच में कई जगह आवाज चली भी गई थी। अच्छा, बाकी ये है कि ट्रेनिंग माशाल्लाह बहुत अच्छी थी आपने। अच्छा, बस बेसिकली एक्चुअली आज पहली ट्रेनिंग थी हमारी जूम पे, तो इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ जो है वो ये जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं अगले सेशन में जो है वो हम कोशिश करेंगे कि ये प्रॉब्लम्स दोबारा ना हो और जो है वो स्मूथली सारी चीज़ें जो है वो चले। इसके अलावा अगर आप लोगों की कोई सजेशन है या कोई स्पेशल टॉपिक आप लोग अगर कहना चाहते हैं कि वो डिस्कस करें तो वो आप लोग जो है वो मुझे मैसेज में या फिर यहाँ पे इस तरह बोल सकते हैं, तो कोशिश करेंगे के उसको भी जो है वो साथ जी साथ। उसमें भाई एक सजेशन है मेरी कि हमारी ना जो प्रोडक्ट्स हैं वो COVID-19 में फ्रंट लाइन पे फाइट करती हैं। जी, तो COVID-19 का भी जिक्र होना चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए कि हमारी ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये COVID-19 के लिए भी बेस्ट प्रोडक्ट है। उसके लिए हमारे एक स्पेशल जैसे हमारी स्पैरोलिना हो गई, हमारी कॉडिसिप हो गई। जी बिल्कुल, उस पर मैं इंशाल्लाह एक अलग प्रेजेंटेशन दूंगा, सारी उसमें चीज़ें डिस्कस होंगी कि बेसिकली मुदाफ़ित निज़ाम के हवाले से कि मुदाफ़ित निज़ाम है क्या, कैसे जो हमारा इंसानिज़म का मुदाफ़ित निज़ाम काम करता है और जो हमारी प्रोडक्ट्स है वो हमारे मुदाफ़ित निज़ाम को यूटिलाइज करते हैं उसको बेहतर बनाते हुए किस तरह हमें मुख्तलिफ बीमारियों से न सिर्फ COVID-19 से बल्कि बाकी बीमारियों से भी जो है वो बचाती है, हमारे मुदाफ़ित निज़ाम को बेहतर बनाते हुए। तो इंशाल्लाह वो हम एक अलग उसका सेशन रखेंगे, उसमें ये जो सारी चीज़ें हैं मुदाफ़ित निज़ाम के हवाले से और हमारे प्रोडक्ट के हवाले से तो वो इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, थोड़ा लेट ज्वाइन किया था तो अगर थोड़ी सी जिन लोगों ने पहले से ज्वाइन किया है तो अगर एक एक पॉइंट थोड़ा सा रिवाइज कर दें तो चलिए हम लोग भी सुन लेंगे दोबारा। अच्छा, रिवाइज असल में आज की जो ट्रेनिंग थी हमारी पहली ट्रेनिंग है जूम पे, इंशाल्लाह इस तरह की रेगुलर ट्रेनिंग्स होती रहेंगी। आज हमने बेसिकली डिस्कस किया टाइम्स हेल्थ कॉन्सेप्ट के बारे में, जो टाइम्स की जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी यानी वो किस फिलॉसफी के बेस पे काम करती हैं, किस थ्योरेटिकल बेसिस पे वो काम करती हैं। तो बेसिकली जो टाइम्स हेल्थ कॉन्सेप्ट है वो तीन कंपोनेंट्स में हम उसको डिवाइड करते हैं, क्लेंजिंग, रेगुलेटिंग और रिप्लेनिशिंग। ये मैं आपको एक आज की पूरे प्रेजेंटेशन की समरी बता रहा हूँ। वैसे तो हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की, अब टाइम भी इतना नहीं है। तो जो हेल्थ कॉन्सेप्ट है उसको तीन चीज़ों में डिवाइड किया गया है, यानी क्लेंजिंग, रेगुलेटिंग एंड रिप्लेनिशिंग। ये तीन कंपोनेंट जब आपकी जिसम आपकी हेल्थ के पूरे होंगे तो उसके बाद आपकी जो बॉडी है वो एक बैलेंस लेवल पे, एक बैलेंस स्टेट में काम करेगी। अब हमारे जो प्रोडक्ट्स है वो मुख्तलिफ तरीकों से डिवाइड किए गए हैं, कुछ प्रोडक्ट्स क्लेंजिंग करते हैं हमारी बॉडी की, कुछ प्रोडक्ट्स हमारी बॉडी की रेगुलेटिंग करते हैं और कुछ प्रोडक्ट्स जो है वो हमारी बॉडी की रिप्लेनिशिंग करते हैं। अब क्लेंजिंग से क्या मुराद है, क्लेंजिंग का मतलब है सफाई। क्लेंजिंग में जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे जिस्म की सफाई करते हैं, किस चीज़ों से, जो सरप्लस मटेरियल होता है, जो एक्स्ट्रा मवाद होता है, जो वो सर आवाज़ नहीं आ रही, जो क्लेंजिंग की कैटेगरी है वो क्या करती है कि वो हमारे जो हमारी बॉडी की क्लेंजिंग परफॉर्म करती है, यानी हमारी बॉडी की सफाई करती है, कैसे जो एक्स्ट्रा चीजें हैं या जो सरप्लस मटेरियल्स हैं उसको रिमूव करती है, इसके अलावा जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस है हमारी बॉडी में उसको डिटॉक्सिफाई करती है, उसको खत्म करती है। तो इस तरीके से जो है वो क्लेंजिंग परफॉर्म करती है। जो रेगुलेटिंग की कैटेगरी है वो क्या करती है, वो हमारे जो बॉडी में मुख्तलिफ ऑर्गन्स होते हैं, मुख्तलिफ सिस्टम्स हमारी बॉडी में काम करते हैं, जिस तरह कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, जिस तरह के हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, आसाबी निज़ाम वगैरह, ये सारे हमारी बॉडी में सिस्टम्स होते हैं और रेगुलरली अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो क्या होता है कि ये उनको एक बैलेंस्ड
लेवल पे रखती है। अगर वो सिस्टम्स लो लेवल पे काम करे, अगर वो सिस्टम कमजोर हैं, बहुत ही ज्यादा वीक है, तो ये उनको इम्प्रूव करती है। अगर वो सिस्टम बहुत ही ज्यादा मतलब के हद से ज्यादा काम कर रहे हैं, यानी कि ओवर एक्टिव है, तो उनकी इंटेंसिटी को कम रखती है और उसको जो है वो एक नॉर्मल लेवल पे, बैलेंस लेवल पे रखती है। ये रेगुलेटिंग के जो प्रोडक्ट्स है ये उनका फंक्शन होता है। तीसरी जो कैटेगरी आती है वो रिप्लेनिशिंग की कैटेगरी आती है। रिप्लेनिशिंग में जो प्रोडक्ट शामिल होते हैं वो क्या करते हैं कि जो हमारी बॉडी में रोजमर्रा की बेस पे जो सिस्टम जो ऑर्गन्स अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, जिस तरह हार्ट जो है उसका फंक्शन क्या है, पंपिंग करना, इसके अलावा जो इम्यून सिस्टम है, मुनाफित निज़ाम, उनका फंक्शन क्या है, हमारे जिस्म की दिफा करना, तो वो कैसे दिफा करते हैं, मुख्तलिफ चीजें होती हैं, मुख्तलिफ खुराक होती है, न्यूट्रंस होती है, उसको यूटिलाइज करते हुए वो ऑर्गन जो है वो सारे काम करते हैं। अब जो जो ऑर्गन जिन चीजों को यूटिलाइज कर रहे हैं, जिन चीजों को यूज कर रहे हैं, तो उनको रिप्लेनिश भी होना चाहिए। अब फॉर एग्जाम्पल एक जग में मैंने पानी डाला हुआ है, उस जग से जो है वो मैं बार बार एक गिलास में पानी डाल के पी रहा हूँ, बार बार पी रहा हूँ, तो एक लेवल क्या आएगा कि जग जो है वो खाली होना शुरू हो जाएगा। अब अगर मैं जग में दोबारा पानी नहीं भरता तो क्या होगा कि पानी उसमें खत्म हो जाएगा और मेरे जो यानी मैं पानी पे जो डिपेंड कर रहा था तो वो मेरी डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी, और जो पानी को जिन जिन प्रोसेस के लिए पानी इम्पोर्टेंट था तो वो प्रोसेसेस या वो सिस्टम जो है वैसा ऐसा काम करना छोड़ जाएंगे। इसी तरीके से इन ऑर्गन्स के लिए भी न्यूट्रंस चाहिए होते हैं, वो रेगुलर बेस पे कंज्यूम हो रहे होते हैं। अब अगर हम उसको बाहर से सप्लीमेंट नहीं करते, बाहर से देते नहीं है, तो वो ऑर्गन आहिस्ता आहिस्ता काम करना छोड़ जाएंगे, और वो सप्लीमेंट या वो न्यूट्रंस क्या है, कैल्शियम है, जिंक है, तो ये जो टाइम्स के जो जितने भी कैल्शियम के सप्लीमेंट्स है और जिंक के सप्लीमेंट्स है, वो क्या करते हैं, वो ये रिप्लेनिशिंग का फंक्शन परफॉर्म करते हैं, यानी हमारी बॉडी में जो मुख्तलिफ न्यूट्रंस यूज हो रहे हैं उनकी रिप्लेनिशिंग करती है। इस तरीके से यह तीनों चीजें, ये एक सर्कल होता है, क्लींजिंग, रेगुलेटिंग और रिप्लेनिशिंग का, तो ये सर्कल अगर कंप्लीट हो रहा है तो हमारी पूरी बॉडी क्या रहेगी, एक बैलेंस स्टेट में रहेगी, और जब बैलेंस स्टेट में रहेगी तो मुख्तलिफ बीमारियां जो है वो हमें उनसे हम बचे रहेंगे और हम जो है वो एक सेहतमंद और तंदुरुस्त जिंदगी। राशिद भाई एक सवाल कर सकता हूं? जी जी सर। अच्छा आप प्लीज कहना, आपके पास ऑथेंटिक नॉलेज है ना, जी जी, हम ये जानना चाहेंगे कि क्लींजिंग हमारे वेस्ट मटेरियल का जो हमारे लिए सही नहीं है ना, हमारी बॉडी के अंदर जो सीवीडी कर रहा है या जो हमारी बॉडी को खराब कर रहा है, जिसके लिए हमारी थीम पर तीन चार प्रोडक्ट्स हैं क्लींजिंग ना, तो वो उनको जरा हाईलाइट कर दें कि वो क्या क्या चीजें हैं, कितनी चीजें हैं। अच्छा, जैसे फ्री रेडिकल है, जैसे टॉक्सिन है, जैसे। अच्छा समझ गया। बेसिकली जो क्लींजिंग जो जो प्रोडक्ट क्लींजिंग का फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है, आप ये कह रहे हैं कि क्लींजिंग को थोड़ा इलोबोरेट करें, तो हमारी बॉडी की जो है वो एक नॉर्मल लेवल रखा गया है। मेटाबॉलिज्म जो चीजें हम खाते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल खाना हम खाते हैं उसमें क्या होती है, प्रोटीन्स होती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं, विटामिन होती हैं, तो वो जब हमारे स्टमक में पहुंचती है तो वो क्या करती है, ऐसे हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होती, इससे क्या इसकी मेटाबॉलिज्म होती है, तोड़फोड़ का अमल होता है। जो खाना हम खाते हैं तो हमारी स्टमक में उसका तोड़फोड़ का अमल होता है। अब उस तोड़फोड़ के अमल में प्रोटीन्स भी बनती हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी बनती हैं, उसमें जो है वो फ्री रेडिकल्स भी बनते हैं, उसमें हैवी मेटल्स भी बाज़ोकात बन जाते हैं, उसमें इसके अलावा और भी बहुत सारे उनको हम मेटाबोलाइट्स बोलते हैं, जो मेटाबॉलिज्म के बाद जो चीजें बनती है मेटाबोलाइट्स बनती है। अब वो मेटाबोलाइट्स हमारे लिए बेनिफिशियल भी होती हैं कुछ। अब जिस तरह जो प्रोटीन बना है वो तो हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर है, क्योंकि प्रोटीन से जो है मुख्तलिफ ऑर्गन्स उस पे उसको यूटिलाइज करते हुए वो काम करते हैं, तो वो उसी खाने से वो प्रोटीन भी बनाए, कार्बोहाइड्रेट्स बने, बल्कि उसके रिजल्ट में जो है वो बाकी जो टॉक्सिक चीजें हैं वो भी बनी है, तो वो उन टॉक्सिक चीजों में फ्री रेडिकल्स आते हैं, इसमें जो है वो हैवी मेटल्स आते हैं जिसमें कैडमियम वगैरह हो गया, इसके अलावा प्लम्बम, लेड वगैरह, ये सारी वो हैवी मेटल्स है, तो वो हमारी जिस्म के लिए नुकसानदेह है। इसके अलावा जो प्रोटीन्स होता है वो भी नुकसानदेह बन सकता है। कैसे? जब हद से ज्यादा प्रोटीन बन जाए या जो हद से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट बन जाए, क्योंकि और यह जब हद से ज्यादा, क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट की फर्दर मेटाबॉलिज्म होती है, इन प्रोटीन्स और इन कार्बोहाइड्रेट की जो फर्दर मेटाबॉलिज्म होती है तो इसमें जो फैट्स वगैरह बनते हैं, अब फैट्स भी हमारे लिए नुकसानदेह नहीं है। नुकसानदेह ये कब होंगी? जब हद से ज्यादा हो जाएंगे, जब बॉडी की कैपेसिटी से जो है वो
ज्यादा हो जाती है, फिर वो क्या, वो चीजें क्या होती है, वो एक्युमुलेशन, उसकी एक्युमुलेशन शुरू हो जाती है मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स में। जिस तरह कोलेस्ट्रॉल है, अब हमारी बॉडी के लिए कोलेस्ट्रॉल भी चाहिए, जो मुख्तलिफ ऑर्गन्स होते हैं वो कोलेस्ट्रॉल को भी यूटिलाइज करते हैं, उसको भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कोलेस्ट्रॉल हमारे नुकसानदेह कब बन जाता है, जब वो हद से ज्यादा हो जाता है। जब हद से ज्यादा हो जाता है तो वो जो है वो हमारी मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स में अकुमुलेट होना शुरू हो जाता है। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल ब्लड वेसल की मिसाल ले लें, ब्लड वेसल में वो आहिस्ता आहिस्ता अकुमुलेट होना शुरू हो जाता है, वो वहाँ की स्टीनोसिस कास करता है, उन ब्लड वेसल्स को, उन खून की रगों को, उनकी डायमीटर को कम करता है, और उसमें जो है वो ब्लड की फ्लो जो है वो प्रॉपर नहीं होती। इसके अलावा जो बाकी टॉक्सिक चीज़ों में फ्री रेडिकल्स होते हैं, तो फ्री द मोस्ट टॉक्सिक मटेरियल मेरे ख्याल से जो हमारी बॉडी में है वो फ्री रेडिकल होता है। क्योंकि फ्री रेडिकल क्या करते हैं कि आपकी किसी भी ऑर्गन को जो है वो नहीं छोड़ता, आपकी सेल मेम्ब्रेन की ऑक्सीडेशन करता है, उसमें जो लिपिड्स होते हैं उसको ऑक्सीडाइज करता है। इसके अलावा आपके प्रोटीन्स को खत्म करता है, प्रोटीन्स को खाता है। इसके अलावा जो कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, जितनी भी सारी चीजें, बेसिकली फ्री रेडिकल के सामने जो भी चीज आती है उसको ऑक्सीडाइज, क्योंकि ये हाईली एक्टिव स्पीशीज होती है, अनस्टेबल स्पीशीज होती है। अब जो भी चीज अनस्टेबल होगी वो क्या करेगी, वो खुद को स्टेबल करने के लिए दूसरे बंदे का नुकसान करेगी। तो इस फ्री रेडिकल्स के सामने जो जो चीजें आती हैं वो उसको ऑक्सीडाइज करता जाता है और उसका जो है वो स्ट्रक्चर जो है वो तोड़ता जाता है। तो फ्री रेडिकल्स बहुत ज्यादा टॉक्सिक चीजें हैं। इसके अलावा हैवी मेटल्स जो होती हैं उनका उनका क्या होता है कि उनका हमारी बॉडी में जो है वो इतना रोल नहीं होता, लेकिन वो क्या होती है, जब किसी ऑर्गन में या किसी सिस्टम में जाके एक्युमुलेट होती है तो उस ऑर्गन को जो है वो इसके एफिशिएंसी को आहिस्ता आहिस्ता कमजोर करती है, उस ऑर्गन को जो है वो आहिस्ता आहिस्ता खराब करती हैं, और इस तरीके से जो है वो मुख्तलिफ बीमारियां, फिर उनके एक्युमुलेशन से जो है वो मुख्तलिफ बीमारियां जन्म लेती हैं। इसके अलावा जो टॉक्सिक चीज़ों में और भी बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स हैं, इंशाल्लाह ये मैं नोट कर लेता हूँ। इस पर टॉक्सिक चीज़ों पे हम एक स्पेशल प्रेजेंटेशन भी दे देंगे कि टॉक्सिक इनके अलावा कौन कौन सी टॉक्सिक चीज़ें हैं और वो कैसे जो है वो हमारे जिस्म के लिए नुकसानदेह हैं। जी किसी और को कोई क्वेश्चन? जी राशिद, बहुत शुक्रिया आपने एलिब्रेट किया। ठीक है, वेलकम। जी राशिद भाई, थैंक यू, आपने बहुत अच्छा माशाल्लाह एक्सप्लेन किया हेल्थ कॉन्सेप्ट के हवाले से, बड़ी सारी क्लियरेंस हुई है, बड़ी सारी चीजें जो लर्निंग के लिए मिली। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फिरदा भाई, आपका भी शुक्रिया, आपने भी माशाल्लाह हमारे लिए सेशन कंडक्ट किया। थैंक यू। थैंक यू। अब इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि रेगुलर बेस पे ये प्रेजेंटेशन सारी और जितने भी जो टॉपिक्स हैं या जो आप लोगों की राशिद भाई, जी जी राशिद भाई, हमें इसके ऊपर ना कभी एक एक्टिविटी बना के दें, जो टॉक्सिन है ना और जो हमारी बॉडी को खराब कर रहे हैं, तो सर बनी हुई है, सर बनी हुई है, है जी, जी सर बनी हुई है। अच्छा, बनी हुई है वो, जितने भी हार्मफुल, जितने भी सर, जितने भी हार्मफुल सब्सटेंसेस है ना, हाँ, वो क्या हैं, कहाँ से आ रहे हैं, उनके क्या बॉडी में नुकसान है, वो एक पीपीटी मैंने तैयार की है, एक मैंने तैयार की न्यूट्रंट्स की, जितने भी न्यूट्रंट्स हैं ना, वो उनके नेचुरल सोर्स क्या है, उनके बॉडी में क्या फंक्शंस होते हैं, उसकी अलग से पीपीटी दे। अच्छा, हम इस पे सेशन भी रख लेंगे, सेंड करें ना, ताकि हमें इसको स्टडी करें, हम उसको अपनी ट्रेनिंग। जी सर, मैं इंशाल्लाह सेंड कर दूंगा। ठीक है, हम इस पे सेशन भी रख लेंगे, इन टॉक्सिक चीजों पे, टॉक्सिन्स पे जो अलग सेशन रख लेंगे, वो सारी चीजें जो है वो इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे। राशिद भाई, वो मैं आपको भी सेंड कर दूंगा, फिदा भाई को भी, आप उसको भी एक दफा गो थ्रू कर लीजिएगा। हमने ना एक पीपीटी तैयार की है इसके ऊपर, हार्मफुल सब्सटेंसेस के ऊपर, है ना। ठीक है, अच्छी बात है, वो शेयर कर लीजिएगा आप सबसे, हमसे भी शेयर कर लीजिएगा, तो इंशाल्लाह जो ठीक है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने ज्वाइन किया, और इसी तरीके से हमारी जो अगली प्रेजेंटेशंस होंगी, कोशिश करें कि उसमें भी जो है वो ज्वाइन हो, जो आपके बाकी जो मेंबर्स हैं उनको भी ज्वाइन करें, ताकि जो वो इस प्रेजेंटेशन जो है वो फायदा उठाएं। तो अगली जो